यानी मैं चाहना किसी को पता ना चले कि किरदार हेगा की है। कौन है ये जुल्फी? जिंदगी तेरी ही सोच में गुम रही। Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia Mukni. You're watching me on Fushia Magazine. और आज जो हमारे गेस्ट हैं, इंट्रो में आजकल मुझे बड़ा मसला हो रहा है, मैं क्या करूं? लेकिन मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। काशिफ निसार का पहला प्रोजेक्ट उनको ऑफर हुआ था और उन्होंने उसको मना कर दिया था। कैन यू बिलीव इट? और वो प्रोजेक्ट भी ISPR का था। अभी जब वो मुझे बता रहे थे ना, आई वाज लाइक रियली यू सेड नो? तो अब हम बात भी करेंगे उन्होंने बाद में कितना रिग्रेट किया। वैसे आपको याद होंगे वजी, आपको याद होंगे सरवर, और आजकल आप उनको देख रहे हैं एज जुल्फी। आज हमारे साथ हैं उमेर राना। अस्सलाम वालेकुम उमेर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताइए। आपके पहले इंट्रो से वो जो काशिफ की रिजेक्शन से मैं पानी हो गया हूं। अब पता नहीं मैं से पी रहा हूं, ये मुझे पी रहा है। नो, व्हेन यू टोल्ड मी, मैं तो हैरान। मैंने कहा आपने मना कर दिया, और तो बाद में कितनी बार सोचा कि यार क्यों मैंने मना किया? टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा। अच्छा। बिकॉज आई हैड अ वेरी फुलफिलिंग ऑल्टरनेटिव थिंग दैट केम अप थ्रू उसके बाद। बट हाँ, अगर मैं अगर टीवी पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि शुड हैव कैरीड थ्रू, शुड हैव डन इट। अच्छा जी, तो बड़ी बातें आज। आज मेरा मकसद, जैसा हम ऑफ स्क्रीन ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, कि आज हम थोड़ा ना, मैं थोड़ी स्ट्रेस में भी थी एक्चुअली। जब मैं आपकी इंटरव्यूज देखी थी, मैंने कहा यार ये उमेर तो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एजुकेटेड, इतने पढ़े लिखे आ रहे हैं। आई होप मेरी सारी, जितना मैंने पढ़ा लिखा वो सारी मुझे रेफरेंसेस याद हो, मुझे सारे नाम याद हो, सब कुछ हो, ताकि मैं भी उसी तरीके से बात कर सकूँ। तो हाथ हौला रखिएगा। ये बताएं, दिल ना उम्मीद तो नहीं आजकल हम देख रहे हैं, तो क्या कैसे आया स्क्रिप्ट आपके पास? व्हाट मेड यू सेड यस? ये इतना कोई मज़ेदार, जैसे आपने कहा ना कि दाने दाने पे, किरदार किरदार पे होता है। मैं कराची से लाहौर गया हुआ था, और मैं एक इवेंट था एजुकेशन बेस्ड, जिसकी मैंने वो मॉडरेट करना था। मुझे फ़ोन आया था कश फाउंडेशन से, मुझे आया सर कि फाइन, आई डेफिनेटली बी देयर, एंड एजुकेशन का इस तरह की कोई चीज़ होना, आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी देयर। तो मैं ऑन द वे कनाल पे था। अच्छा। और कुछ चार छः महीने से एक चीज़ मेरी लटकी हुई थी, एक मैसिव प्रोडक्शन, ग्रेट चैनल ब्रॉडकास्ट, और उस टीम के साथ पहले भी मैं करना चाह रहा था और वो नहीं हो सका। काम तो वो, उन्होंने कहा था आप लॉक्ड हैं, तो मैंने उनसे ढेर सारे पैसे भी मांग लिए। उन्होंने कहा डन है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, ये तो राजी हो गए। लेकिन वो इतना लटक रहा था कि मुझे आई जस्ट गॉट अ वेरी बैड इंक्लिंग, तो मैंने फ़ोन पे रास्ते में माजरत कर ली। ओके। और मैं वहाँ गया, पहुँचा, इवेंट किया, और इवेंट होस्ट करने के बाद मैंने यही इत्तफाक से मैंने कहा कि हालात ऐसे हैं तालीम के हवाले से कि लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। इस पे मैंने ख़त्म की कॉन्फ्रेंस। तो मैं उतरा तो मेरे सामने वो कहती कि उमेर हम एक ड्रामा कर रहे हैं। रोशानी कहती है I want you to be part of it। मैंने कहा ड्रामे का नाम you, I mean रोशानी कह रही कश्फ कर रही है। Yeah. I was like, you know, okay. It's more or less done. Yeah, done. It's more or less done. बिल्कुल, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा डायरेक्ट कौन कर रहा है? काशिफ ने सर। फिर तो टप्पा लग गया। मैंने कहा ये तो डबल सील हो गई। I don't care फिर किरदार क्या, बिकॉज विद काशिफ और रोशानी और इन्हों की जिस तरह की स्क्रिप्ट होती ना, मेरे लिए ये है कि कहानी, मकसद, ट्रीटमेंट, टीम एंड किरदार को अच्छा होगा ही होगा। वो इट्स नॉट गोना बी अ, फिर आप ये नहीं देखते कि कितनी स्क्रीन प्रेजेंस है या नहीं, आप सिर्फ उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, बिकॉज़ एक अच्छी चीज होगी। एब्सोल्युटली, एंड वो मेरे खमीर में वैसे भी है। आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ अ गुड कैरेक्टर। आई मीन फॉर एग्जांपल, मैं जब आया, अभी आजकल कर रहा हूं काम, इसमें आई एम कमिंग एज अ गेस्ट अपीयरेंस। अच्छा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मेरा कितना स्क्रीन टाइम है। एक अच्छा किरदार है, अच्छी कहानी है, अच्छे लोग हैं, आप हिस्सा डालें अपना। खैर, इत्तेफाक से मैंने फिर उससे पूछा कि नाम क्या उसका? दिल ना उम्मीद तो नहीं। मैंने ये तो शेर अभी मैंने इसका एक मिसरा पढ़ा है। तो इट्स ऑल डन। सो आई मीन आई वाज सोल्ड, एंड इमेजिन कि वो मैं रास्ते में माजरत करता हुआ वहाँ पहुँचा हूँ और वो चीज़ तैयार थी, और वो भी थी खूबसूरत, भी तो खूबसूरत, एंड ऑफ स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन वो जो जिसको मैंने माजरत की थी ना, बहुत बुरा ड्रामा था। ये बहुत कुछ है और मुझे यही चीज पसंद थी। और फिर मैं जब बैठा काशिफ के साथ, काशिफ निसार ने कहा कि, और फिर उनका अपना अंदाज होता है, जानी अधी पंजाबी अधी उर्दू, यानी मैं चाहना किसी को पता ही ना चले कि किरदार हेगा की है, कौन है?
ये उनका अंदाज़ कौन है ये जुल्फी. अभी पिछली किस्त में यासरा की किरदार कहती है ना तुम कौन हो. तो मैंने कहा यही रखना है हमने, वी हैव टू कीप इट मर्की. एंड आई एंजॉयड दैट, मुझे वो स्पेस पसंद आती है. द ग्रे फॉर मी इज द बेस्ट स्पेस टू एक्ट. बट मैं आपको बताऊं, आपको आई वांट टू टेल यू कि ये जो उन्होंने बोला कि जानी इसको लोग, मेरी पंजाबी बड़ी बुरी है, लोगों को समझ ही नहीं आवे कि वो की कहता है, की कहता है कि वो इस साइड विच है, मेरी कितनी बुरी पंजाबी, आई शुड नॉट ट्राई. कोई बात तो नहीं. वो हो रहा है. हाँ. हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं जल्दी. yeah. अभी जो लास्ट एपिसोड मैंने ऑन एंड ऑफ इंस्टा की स्टोरीज पे देख रहे हैं पोलिंग की है, सो इज इट गुड और बैड. And it's like almost 49, 50, 51, बस इस पे चल रहा है. हमें लटकाया हुआ है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो आंटी की लेकिन मुझे ऐसा लगता है जुल्फी का कैरेक्टर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी स्क्रीन प्रेजेंस और थोड़ा सा उसकी बैक स्टोरी शायद ज़रा सा यू फील ज़्यादा होनी चाहिए थी अभी तक. या आगे जाके आएगी और इसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, इसको अभी तक रखा मैं, गया मैं वही सोच रहा या बैक स्टोरी जाएगी कह सकता हूं, क्या ना क्योंकि कहूं. क्योंकि हो ये रहा है कि आई फील इट्स एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, लेकिन जुल्फी आता है जाता है, आता है जाता है. जुल्फी रहता नहीं है वहाँ पे कि हम उसको उतनी इम्पोर्टेंस दे सकें जितनी मुझे लगता है कि देनी चाहिए. तो आपको भी ऐसा फील हो रहा है ये एडिट में चला गया है या फिर नॉट नेसेसरली या फिर आगे जाके सबको नहीं कहानी में फिर आपको हाँ पता चलेगा. डेफिनेटली इससे तो ज्यादा ही पता चलेगा, लेकिन इसके है ना वो इसको कंफ्यूज स्टेट में ऑडियंस को रखने का एक तरीका ये भी है कि वो आते है और जाते हैं और जैसे लिटरली डायलॉग्स में है कि तो हमेशा गलत वक्त पे सही टाइम पे पहुंच जाते. हाँ. जो यासरा किरदार कहती है, सवेरा कहती है, तो वो यही है. आई मीन ही कम्स एंड गोज और वो जरा एक मिस्ट्री फिर इस तरह भी रहती है. लेकिन आगे जाके कुछ रिवील होगा ज़रूर कि इसकी प्रीकट हिस्ट्री क्या है. हालांकि मुझे याद है कि मैं एंड आई ऑलवेज वर्क विद इट, तो फारूक भाई के साथ भी मैंने ये किया था, काशू के साथ भी, काशू निसार के साथ भी मैं ये करता हूँ. तो मैंने कहा था इसकी कहानी बनानी है. आप जितनी स्क्रीन पे दिखाना चाहें ना दिखाएं, दिखाएं. और एक दो चीज़ें हम करना चाह भी रहे थे, वो भी कोविड की नज़र हो गई. एक दो मोमेंट्स थे जो कि मैं नहीं बता सकता बिकॉज वो रिवील निकल आता है उसका. तो एक था, मैंने कहा कि एक ऐसा मौका हो कि ये गाड़ी चलाते हुए फिर रुक के फिर कहीं चला गया और साइलेंट सा है और फिर वहाँ कुछ कर रहा है. क्योंकि इसकी कैफियत ये है, उन्होंने कहा ये इट्स फैंटास्टिक आई विल डू इट. वो बेचारा ड्रामा साल आगे हुआ है कोविड की वजह से. आप लोग शूट भी कर रहे थे कोविड नवंबर में शुरू किए, नवंबर में खत्म किए, इमेजिन. सो इट्स लाइक अ फुल ईयर. तो वो हो गया, बट इतना जरूर होगा द ऑडियंस विल अंडरस्टैंड कि कौन है, कहां से आया है, क्या कहानी है. क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, अगर ये कैरेक्टर आप नहीं कर रहे होते बिकॉज ये उमेर राणा कर रहे हैं, तो मुझे एज एन ऑडियंस लगता है कि इस कैरेक्टर में कुछ है. देयर हैज टू बी अ रीजन. ठीक है, दैट्स व्हाई उमेर हैज पिक्ड इट अप और ये हो रहा है. लेकिन अगर इसकी जगह किसी और, जो कि शायद उमेर राणा के, कैसे मैं बोलूं, मतलब उतना नहीं, आप ना बोले, आप चाय पिए, ये क्या क्या मुझे शर्मिंदा कर रही है, इग्नोर हो जाता. तो मुझे सिर्फ इस बात का थोड़ा सा था कि आई होप कि आगे जाके हमें नहीं, डेफिनेटली हमें ज्यादा क्लेरिफिकेशन मिले और इस कैरेक्टर को उतनी वो मिल सके जितनी वो कैरेक्टर डिजर्व कर रहा है. एंड अगेन आई विल से, आई मीन आई विल नॉट टेक द क्रेडिट फॉर दिस फ्रैंकली. अगर आपके पास कैप्टन लाइक काशिफ निसार होना, तो फिर वो इतना तो जरूर बताएगा कि जितने रिक्वायर्ड है, तो ही विल डू जस्टिस टू दैट, रेस्ट अश्योर्ड. ओके, ये तो होगा. अच्छा, लेकिन सवेरा है या सुंबल है, कौन है दिल के करीब जुल्फी के, ये मिस्ट्री तो हल कर दें प्लीज. अच्छा, आजकल इधर से इधर जाते हैं, सुंबल से बात करते तो लगता है भाई सुंबल के, सवेरा से बात करते तो हम कहते नहीं नहीं ये सवेरा ही होगी, क्या चक्कर. तो गैलप पोल पे के मुताबिक आजकल सवेरा की गुडी चढ़ी हुई है, ये लोगों की राय है. तो मैं तो सिर्फ गैलप पोल ही चला रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा. तो मुझे सिर्फ लग रहा है मैं पोलिंग एजेंट हूँ एंड आई एम गेटिंग एन आईडिया. फिलहाल तो सवेरा लग रही है. आई थिंक द लास्ट सीन दैट हैज बीन एयर्ड सवेरा, व्हिच वाज ब्रिलियंट, आई लव्ड यासरा का जो काम था, सो गुड. एंड आई मेड अ पॉइंट कि आज मैं शेयर जरूर करूंगा. जिसने नहीं देखा सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि देखें जरूर. और एज एन एक्टर इतना आसान हो जाता है हमारे लिए जब आपके सामने कोई इतना अच्छा अदाकार या
वो एक्टिंग कर रहे थे, यू सिंपली रिएक्टिंग देम, यू नो, सो इट वाज वेरी वेल डन. सो फिलहाल तो सवेरा की गुड्डी चढ़ी हुई है, अगले किस्त में देखते क्या होता है. ओके ओके, कोई फैन रिएक्शन, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं जुल्फी को? दे लविंग, मुझे जो पसंद आया ना कि दे लविंग द प्ले बिफोर एनीथिंग एल्स. सो एज एन एक्टर पार्ट ऑफ एन एनसेंबल, एक टीम का हिस्सा जब आप बनते हैं ना, आपको हमेशा ख्वाहिश ही होती है कि यार मेरी गुड्डी चढ़े ना चढ़े, कहानी चले. बिल्कुल. एंड इस तरह की कहानी खेल ये चढ़ना चाहिए, मुझे इसकी ज़्यादा खुशी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, जुल्फी की जहाँ बात आती है वो यही बातें कि दे लाइक वेरी क्यूरियस अबाउट इट, सो आई एम ग्लैड. तो वो एक क्यूरियोसिटी हुक्स द ऑडियंस इन ऑल्सो, और फिर उसकी बहाने से भी बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, सो इट्स फाइन, वर्क्स वेल. ये बताएं आपकी जो मैं कैरेक्टर्स देखती हूँ, अब जैसे जुल्फी का कैरेक्टर है, आई हैव अ फीलिंग इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर. ओके, हाउ डू यू, मतलब कितना मुश्किल होता है अपने पुराने कैरेक्टर के से निकल के एक नई स्किन में आना, बिकॉज यहाँ बहुत डिफरेंट है ऑब्जर्वर से. ओह यस, हम यहाँ पे जो इमोशंस देख रहे हैं और जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं जुल्फी के चेहरे पे, वो बिल्कुल वो जो मकारी और अपोलॉजीज का ये सारी सर्वर की बातें हो रही हैं, सर्वर की बातें हो रही हैं, उमैर की बातें नहीं हो रही. वो उससे बहुत डिफरेंट है, यू नो. हम मैंने कहीं के आंसू भी देखे हैं जब सुंबल को वो होता है जुल्फी की आईज में. सो व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ डू यू डू दिस, क्या होता है? वेल इट इज, देखिए मेरे नज़दीक, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, और देखिए इसमें फ़ायदा किए गए, आई पास ऑन अगेन द स्पॉटलाइट टू लाइक्स ऑफ यमुना एज वेल, बिकॉज यमुना और मेरी डायनामिक प्यार के सबके में फ़र्क है, और मेरी और यमुना की डायनामिक एग्जैक्टली अनदर थिंग. तो वो एक मल्टीपल लेयर होता है जो कि चैलेंज भी होता है और फ़ायदा भी हो जाता है, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप इस तरह बना रहे होते हैं कैरेक्टर का. आपको अपने किरदार, जैसे मैंने अगर किसी किरदार में उतरना हो तो मैं उसको जानना चाहूँगा. आई हैव टू, दिस इज़ हाउ आई सेड, कि अगर मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस एम्पथाइज करे इस किरदार से, वो मुमकिन ही नहीं है जब तक मैं उस किरदार से एम्पथाइज ना करूँ. सो आई एम द मीडियम फॉर द ऑडियंस, तो आई नीड टू नो द कैरेक्टर. सो व्हेन आई उसका खाका बना के, उसको एहसास करके, उसकी बैक स्टोरी जैसे हम बात करते हैं, कहानी बना के, फिर रिश्ते ताल्लुक, व्हाट डू दे मीन, वो सारी चीज़ें करके फिर सिचुएशन में लेके आए, एंड देन इट्स ईजियर. सो देन व्हाट रियली फ्रेंकली आई डू इज, आई एम टेकिंग लिटरली ऑफ, टेकिंग ऑफ द हैट. सर्वर गया, जुल्फी आ गया, और हमारा थोड़ा से एक दो ऐसे शॉट्स थे जब हम सर्वर के प्यार के साथ के आखिरी चंद कर रहे थे, और फिर दिनों में शुरू हुआ था मेरा काम. सो इट वाज लिटरली हैंड ओवर टाइम, बस शुक्र है कि दोनों इकट्ठे नहीं थे. आई डोंट लाइक टू दैट, वो ज्यादा चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग, ज्यादा चैलेंज. इसमें चैलेंज सिर्फ ये था बिकॉज ऑफ द कोविड ड्रैग, कि जुल्फी में वापस आना, कंटिन्यूटी, that for me with the character continuity, wo mere liye tricky tha ki yaar we have to get back to them, bhool gaya tha kirdar kaun hai, main fir se isko jaan. And it's not an easy process, frankly bahut logo ko lagta hai ki arty farty baat kar rahe hai, bahut high tech hai, nahi yaar waqai bahut bahut thakavat wali hai yaar, usi cheez pe dobara jana na, oof, every is very difficult. Aap soche ki aap ek research kar rahe hain, aap लोगों सब कायदे मोहम्मद जनाह के बारे में जानते हैं, नुसरत फतेह खान के बारे में भी जान सकते हैं, आपने एक रिसर्च किया किरदार के बारे में, आप उसको फिर रिसर्च करें. Yeah. और फिर आपने जानना है, सिर्फ जानना है, let alone being that person. Yeah. So it's very difficult thing. Very difficult, but yeah. प्यार के सदके. जी. कैसा रिएक्शन था जब खत्म हो गया? हमने तो बीच में आपसे बात की थी in the middle. Yeah. जब खत्म हो गया फिर लोगों का क्या रिएक्शन था? आपको कैसा फील हो रहा था? Right on set मुझे अतीका ओढ़ो, मेरे ख्याल से उनको हम पीर बना सकते हैं, उन्होंने कहा था उमेर, this one is the special one for you. Yeah. I said okay, we'll see. Huh. And we saw. And I think Pyar Ke Sadke genuinely was from the audience perspective, ek special tha. Bilkul. Aur isme again mera apne ka kabhi kamal nahi ho sakta, ye this is genuinely the team that contributes, like Farooq ne, and then Atika herself, and Yumna and Bilal, inke saath jab kaam karte hain fir ek alag cheez hoti hai. But yeah, shuru mein I was very apprehensive. बहुत मुझे था कि क्या, लेकिन जब टीम आ गई, काम किया, मोमेंटम बन गया, मज़ा आया. और उस दौरान जैसे पजीराई हुई, लोगों को पसंद आया, लोग प्यार भी करना चाह रहे थे और गालियां भी देना चाह रहे थे इसको, रज रज की गालियां देना चाह रहे थे, विच वॉज परफेक्ट, क्योंकि मैं यही चाहता था. आई डिड नॉट वॉन्ट हिम टू बी ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ स्टफ, इविल, यू नो, आई डिड नॉट वॉन्ट दैट. मैं चाह रहा था कि लोग
जो बुरे भी हैं उनसे इतना एहसास कर लें कि यारी पैदाइशी बुरे नहीं होते, हमारी क्या जिम्मेदारी है। और जब हम कहानी ये दिखा रहे हैं कि लड़के की परवरिश, उसको उसने यू नो इमोशनल ट्रॉमा डाला है बिलावल के कैरेक्टर को, तो फिर हाउ डू यू रेज चिल्ड्रन टू बी बेटर। यू नो सराहा के कैरेक्टर अमेजिंग, दैट शी इज टोटली डिफरेंट, लेकिन वो जो म्याना रवि है वो इस तरह आती है व्हेन यू रेज चिल्ड्रन प्रॉपर्ली। सो दैट वाज अ मेजर इशू फॉर मी, इस नजरिए से आ रहा था, देख रहे थे आप। इसलिए फिर जब माँ के किरदार आए एंड वी हैड सो मच फन विद कुले राना, उफ, आई मीन यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन, क्या किरदार था। आई थिंक मदर ऑफ द ईयर कंटेस्टेंट मैन, ब्रिलियंट। और वो बैठी भी बस, मतलब उनकी कोई मूवमेंट नहीं थी, या तो वो कुछ खा रही होती थी या कुछ, वो बिल्कुल बस वो वहाँ बैठे बैठे वो अपने बेटे से बातें कर रही हैं। और अच्छा सर्वर का ये बड़ा था उस पर, क्या रेन साहब ने, फारूक साहब ने क्या आपको, क्या जैसे काशिफ निसार ने दी थी उसका, उनके साथ क्या आपकी डिस्कशन हुई थी उस कैरेक्टर के बारे में? क्योंकि जैसे आपने बोला उस कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसा था कि हम कम्प्लीटली आई थिंक टुवर्ड्स द एंड हम थोड़ा उससे होना शुरू हो गए थे। शुरू में सर्वर के लिए हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर था, हमें इंट्रीग करता था सर्वर, यू नो हमें चिढ़ा नहीं रहा था, गुस्सा कम आ रहा था, इंट्रीग ज़्यादा और ये कि क्यूरोसिटी कि वो करेगा क्या ज़्यादा थी। तो क्या फारूक साहब और आपके दिमाग में था, कैसे किया आप लोगों ने? फारूक भाई के साथ मेरे साथ जो हुआ था ना वो मेजॉरिटी फोकस दो चीज़ों पे था। एक बैक स्टोरी प्रेडोमिनेंटली था कि बैक स्टोरी की इसकी कहानी है, और वो ये कहते कि और यही बात हम लोग दोनों, शुक्र है मैं भी इस नज़रिए से आया था और फिर जब वो उनका भी यही नज़रिया था तो हम लोग यही बातें कर रहे थे फ़ोन पर बहुत मुख्तसर और फिर ऑन सेट। और ने कहा था कि भाई ये बैकग्राउंड मुझे चाहिए इन द सेंस कि जस्टिफाई करो ऐसे क्यों है ऐसा। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने यही बात करनी है। फिर हमने कहानियाँ बनाई, उसका बहुत थोड़ा हिस्सा दिखाया। इसकी वजह से माँ के किरदार के जो सीन थे वो हमने बढ़ाए और वो ऑन सेट बढ़ाए। दूसरा ये था कि फारूक भाई ऑल्सो प्लेज विद द मोमेंटम ऑफ द एक्टर्स। वो उस कैरेक्टर में जब कोई ढल रहा होता है, वो सीन बन रहा होता है तो फिर वो उसके साथ और खेलते हैं। इट्स लिटरली जैसे कि आप एक पॉटर हैं, यू नो एंड यू हैव एन आइडिया कि मैंने ये बनाना है, तो आपने डाला इतना तो डाल दिया, फिर आप थोड़ी सी चीज़ें साइड पे रखते हैं, फिर आप उसको घुमाते हैं, फिर नरम हो रहा होता है, फिर आप देखते हैं यार ये इस तरह का हो रहा है, चल थोड़ा सा और ये डाल देता हूँ, ओह उसको अब ये कर देता हूँ। दैट्स व्हाट फारूक रेन इज लाइक, सो इज लाइक अ पॉटर हु क्रिएट्स दैट। सो आई लव दैट, क्योंकि वो थिएटर में हम लोग इम्प्रोव इतना करते हैं, सो आई लव दैट। इसलिए भी गुले राना के साथ हमारे सीन्स बढ़े, और मैंने कहा था कि बैक स्टोरी का भी जस्टिफिकेशन होगा इस तरह, और कंट्रीब्यूट भी हो रहा था। ये हमारा अप्रोच था, और हमारा ये भी अप्रोच था कि शुरू में भी लेट्स हैव पीपल लाइक हिम अ लिटिल, यू कांट मतलब थक जाते हैं, अ लिटिल बिट ऑफ सिंपैथी फॉर हिम आल्सो। हमें भी थोड़ा सा होता कि बेचारे की ज्यादती तो नहीं हो गई, उसको ये शादी करनी पड़ी, हम क्यूरियस थे कि अच्छा, फिर हमने कहा नहीं यार ठीक है, नहीं चली गई, मैंने नहीं बोला, नहीं बिल्कुल चली गई। बट शुरू में वी वर लाइक वी गेव हिम अ चांस टू एक्सप्लेन। अच्छा फिर फारूक भाई का एक और जो चीज था ना, व्हिच आई मीन मुझे वो लिटरली शर्मिंदा करते हैं, आई डोंट नो हाउ टू टेक सच कॉम्प्लीमेंट्स। He's a man who lives, who loves nostalgic old movies. तो उनकी एक तस्वीर, मेरी एक तस्वीर को शेयर हो रही थी कास्टिंग के दौरान, एंड उनका एक कॉमेंट मुझे स्क्रीन शॉट किसी ने भेजा, अनिला ने भेजा, गॉड ब्लेस हर हार्ट। उन्होंने कहा कि उमेर देखो फारूक भाई ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है, मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ, मैं यूजली करती नहीं हूँ लेकिन वो टिपिकल अनिला का स्टाइल। तो उन्होंने कहा दिलीप कुमार नहीं याद आ रहे आपको? मैंने कहा ओ माय गॉड नो, आई मीन यू कांट कंपेयर मी विद यू नो दिलीप कुमार। बट वो चाह ये लुक रहे थे, वो चाह रहे थे कि इस तरह की एक नाइस चार्मिंग ओल्ड नॉस्टैल्जिक टिंज कहीं आए। और आप नोट करिएगा वो हमेशा कहीं ना कहीं चीजें डालते हैं, मिसाल के तौर पे जो ट्रैक है ही इज बिहाइंड अ मेजर पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द कंपोजिशन। तो इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया कंपोजिशन, वो जो सीटी है मेरी ही पुट इट इन। मैंने कहा मैं आप करें, क्योंकि हम सेट पे गाते थे, मैं सिटी में जाता था, तो उन्होंने ये फैक्टर डाल दिया, डालेंगे एंड दैट बिकेम आइकॉनिक। तो लोग फैंस वुड से कि वो सिटी में जाके सुनाए, अच्छा सो उसने किया। तो आई मीन दैट्स हिज कंट्रीब्यूशन, दिस इज हाउ ही ऑपरेट्स, यू सी दैट इम्प्रोवाइजेशन द पॉटर, एंड दैट वाज अ वेरी नाइस एंगल, यू नो इट वर्कड वेरी वेल, इट वर्कड वेरी वेल। वो एक हमें पता चल जाता अब सर्वर का कुछ हो रहा है, यू नो दैट्स ट्रू, खबासत उतरने वाली है, कुछ नाजिल होने वाला है, कुछ नाजिल हो रहा है। बट उसके अलावा कोई और इम्प्रॉम्प्टू, कोई इम्प्रोवाइज किया आपने, कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सीन्स कोई ना कोई इम्प्रोवाइजेशन हर सीन में होती थी, हर सीन में। ओके एंड और वो जो आपके ऑपोजिट एक्टर से वो सही ले लेते थे या वो कहते थे जी हां मेरे भाई आपने क्या किया है या बोलते थे? बस मुझे वो कुछ ज्यादा छूट देते ना, तो मैं उस तरह का बंदा हूं कि मैं उंगली दें तो हाथ पकड़ लेते हैं, तो फिर शरारतें फिर मारी चलती। तो मेरे साथ ऊपर से आ जाए बेचारा बिलाल साहब, क्यों क्या कहते थे आप और बिलाल?
बिलाल को तो आखिर में ये हो गया था ना कि अब सीन में है, इन कैरेक्टर बहुत सीरियस हैं, अब बेचारे को हर सीन में मैं डांटता था या मारता था तो सामने तो यू वुड स्टैंड एंड लाइक बस करें ने कहीं मुझे देख रहे हैं, मुझे हंसी आ रही, तो हमारा तो ये हाल हो गया था. ओके, बट देयर प्लेंटी ऑफ शरारतें वी हैव डन, प्लेंटी, कोई लाइन कोई इधर की कोई उधर की, तो वी हैड प्लेंटी ऑफ. और यमुना के साथ? यस, यमुना एज़ वेल, वो भी उमर भाई, यू आर ऑलवेज एट इट, बट शी वुड वर्क इट थ्रू, शी वुड वर्क इट थ्रू. मुझे ये बताएं, हाउ विल यू, आप उमर राना को अगर 3 से 4 अल्फाज में बयान किया जाए तो कैसे बयान करेंगे? अच्छा, अब चैलेंज ये है कि जो भी आप लव्स यूज़ करेंगे या वो कहते हैं ना क्या खसूसियत यूज़ करेंगे, एक तो मेरी उर्दू आज बड़ी हो रही है, जो भी अच्छाई या बुराई यूज़ करेंगे अपने लिए, उसकी फिर कोई हमें एग्जांपल या कोई इंसिडेंट भी बताइएगा कि ऐसे. और या आपको अपने बारे में ये चीज़ पता चली क्योंकि ऐसे हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो ये भी हूँ, या मुझे आके किसी ने ये बोला तो मुझे रियलाइज़ किया अच्छा हाँ ये भी चीज़ शायद मुझ में थोड़ी सी है. मैंने कहा वो टिपिकल सवाल तो बहुत पूछते हैं कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ और मैं बड़ा वर्सेटाइल हूँ, तो जरा हमने कहा ये थोड़ा चैलेंज डालते ना इसमें उमर के लिए. इट्स वेरी ट्रिकी, आई एम सरप्राइज यू से दैट, बिकॉज मेरे लिए द ग्रेटेस्ट चैलेंज हैज बीन टू डिस्कवर माई सेल्फ कि असल में मैं कौन हूँ. तो अभी तक क्या क्या डिस्कवर कर लिया आपने? अब नाउ आई हैव रीच्ड सम स्टेट कि हाँ ठीक है, आई कैन आइडेंटिफाई अ लिटिल मोर कंफर्टेबल विद हु आई एम. एक चीज और, एंड यू नो acting and working with good people has helped me and that has also helped me. Meri director thi Angela Williams, unhone hame direct kiya tha for Hamlet and I played Hamlet for 6 months rehearsal or what not. Ab ye bata dein kahan kiya tha? Lahore? Humne Lahore mein kiya tha. Okay. We did for Lahore and ye kitne kis saal ki baat hai? Long time ago. Okay. Long time ago. I had lesser silver hair. एंड उन्होंने कहा था कि तुमने ये रियलाइज़ किया कि तुम्हारे, और अब वो था भी मोमेंट, अब देखिए वो डायरेक्टर भी थी और एक मेंटोर भी हैं, तो वो मुझे मेंटोरिंग भी कर रही थी, वो कह रही थी कि इसके ज़रिए अपने आप को जानो, कोई वाली बात. वहाँ से मेरे ख़त से सिलसिला शुरू हुआ था, तो सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू एक्टिंग. तो उन्होंने कहा डू यू रियलाइज़ कि तुम्हारा और हैमलेट में एक बहुत मेजर फैक्टर कॉमन है. Okay. What is I'm that? Curious. And I was head boy when she was in the admin as well in school once upon a time. So, Anika, you're judicious. Okay. You try to be very fair. ये तुम्हारे लिए बहुत अहम चीज़ है. And उस किरदार को play करते मुझे ख्याल आया कि वाकई, क्योंकि अब आप जिसने हैदर देखी हो फिल्म में साल तौर पर, हैमलेट ये क्यों नहीं उठा के फ़ौरन मार देता? उसको प्रेमिनेशन आया, गोस्ट आया, बाप ने कहा है, मान गया है, तो वाई इज ही गोइंग थ्रू सो मेनी फेजेस कि उसको प्रोसेस करके प्रूव करना चाह रहे कि नहीं वाकई ये है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ही वॉन्ट्स टू बी फेयर. तूने कहा तुम्हारी आदत है, मैंने कहा अच्छा आदत अच्छी है लेकिन बहुत तकलीफ दे, उफ़ तकलीफ दे, बिकॉज तवील अरसे में आपको जाना पड़ता है एंड इट्स पेनफुल, और आप वो जस्टिफाई करना चाहते हैं आप जो भी कर रहे हैं, एंड वो द फियर कि किसके साथ अनफेयर ना हो जाए, वो आपको बैठने नहीं देता है. यस, वो बेचैनी होती है कि मुझसे ज्यादती ना हो जाए, फिर इमेजिन एज अ पेरेंट आपके बच्चों के साथ, फिर यू हैव टू बी फेयर. एंड फिर आप कभी कभी कुछ कर लेते हैं, आप कहते हैं जिसका रिजल्ट वो नहीं निकलता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कहते हैं व्हाई डू आई हैव टू बी सो नाइस, व्हाई डू आई हैव टू बी सो नाइस, दैट्स ट्रू, फिर देन यू बिकम एग्रीएबल व्हिच इज वेरी हार्मफुल. तो खैर दैट वाज वन. Good, he's fair. So, I think I would like to be. Dusra, I have been very, very self-conscious, very underconfident. It's very odd. कि जो सुनते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि हैं, ये तो acting करते हैं. How can you be underconfident? I needed people's approval. ये self-realization बहुत देर से आई मुझे. Okay. और and I can tell you this कि so many of us. जो हमारे एक्टिंग डिसिप्लिन या फेम में है, नॉट इवन एक्टिंग, दे हैव बीन इन दिस बिकॉज सम वे और द अदर, वो लोगों की अप्रूवल चाह रहे होते हैं. उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी तरबियत में कुछ हुआ है जब अप्रूवल अहम बन गई या ज़रूरत बन गई, तो उनको यहाँ से मिल गई. और अब सोशल मीडिया में हर एक जो लाइक्स ढूंढता है, ख्वाह वो एक्टर हो ना हो, बस फेम ढूंढ रहे हैं ना. सही बात कह रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ अप्रूवल. सो आई इन हाइंडसाइट फिर वही बात कि आई प्रेफर कि एज अ सोसाइटी एंड एज पेरेंट्स कि हम लोग तरबियत ऐसी करें कि उनको उस तरह की वो भूख ना हो, हवस ना हो कि मुझे अटेंशन और वो अप्रूवल चाहिए उनकी. बट आई रियलाइज दैट कि मुझे ये चाहिए थी, बिकॉज आई मीन नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द लव ऑफ माई फैमिली. जब होता है ना कि आप एक जॉइंट फैमिली में हो ना, हालांकि मैं नहीं था, बट जॉइंट फैमिली में जो चुप बच्चा होता है ना, तो वो ज़रा खुडे में लग जाता है. सही बात है. कोने में लगा होता है. सो इवन इन द स्मॉल फैमिली आई वॉज द लाउडेस्ट, आई वॉज द नॉटीएस्ट,
यू नो मैं जरा शरीफ चुप वाला बच्चा तो वो था स्कूल में भी फिर मैं इस तरह ही था तो वही तब बड़ी होती है तो आप फिर पीछे हो जाते पीछे हो गए और फिर कहीं किसी वक्त स्टेज पे पजीराई हुई कहीं किसी वक्त मैंने एक ड्रामा किया या डिबेट स्पीच की और अटेंशन मिली तो मैं तो फिर एज अ भूखा बच्चा दोनों हाथों से लपक गया तो जिंदगी भरी फिर डिबेट से ड्रामा किया मैंने यू नो सो आई दैट्स व्हाट आई डिड बट ड्यूरिंग दिस कोर्स आई रियलाइज कि नहीं नीयत मेरी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं अटेंशन लूँ या अप्रूवल लूँ नीयत मेरी होनी चाहिए कि मुझे अब अल्लाह ताला ने ये दे दिया ना सो व्हाट एम आई गोना कंट्रीब्यूट हियर सो आई ट्विस्टेड इट फ्रैंकली सो बट दिस इज अ रियलाइजेशन आई लर्न्ड तीसरा आई रियलाइज्ड कि आई हैव ग्रेट विट We will agree to that. And I'm scared You'll have to agree to it. Acting में आके कभी कोई ऐसा वाक्या हो जिससे आपको आपने कुछ बोला और फिर आपने बाद में खुद ही और भी हंस रहे हो कि हाँ यार मैंने इसको क्या बोला या मैंने सर कुछ ऐसा हुआ है नुमान इजाज़ जब सेट पे होते हैं ना हाँ I love those moments. I love working on set with people like Numan क्योंकि और फिर ऊपर से आ जाएं काशिफ निसार कैमरे के पीछे क्योंकि फिर वो क्या करते हैं काशिफ निसार वर्क्स ट्वाइस देन वो दो चीज़ों को इकट्ठे करते हैं वो करते हैं कि मोमेंट है सीन क्रिएट हो रहा है ना अमेजिंग एक्टर नुमान इजाज़ देयर कि लेट द कैमरा रोल कट मैं नहीं कर रहा कुछ चीज़ें साइन ऑफ मिल रही हैं दूसरा फिर उनको पता है किसी पॉइंट पे इन दोनों ने शरारतें शुरू कर देनी है लेट्स इंजॉय इट तो वो भी फिर आखिर में कट यू आते हैं तो यू शेयर्ड आपने तीन चीज़ें कर ली हैं और कोई और अपने बारे में बताना करेंगे हम मूव ऑन कर सकते हैं यू कैन मूव ऑन आई थिंक यू कैन एब्सोल्युटली मूव ऑन आई लाइक टू कीप पीपल गिविंग मी आइडियाज व्हाट दे थिंक दे नो स्पेशल पीपल आई रिस्पेक्ट एंड देन फॉर मी दैट इज फीडबैक आप लेते हैं यू नो ओपिनियंस लेते हैं या ओपिनियंस मोस्ट ऑफ देम आर परसेप्शंस फ्रैंकली बट स्टिल आई लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट द परसेप्शंस कुड बी लाइक परसेप्शंस अबाउट व्हाट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट डू दे थिंक आई मीन फॉर एग्जांपल यू नो अबाउट यू लेट्स स्टार्ट विद दिस फॉर एग्जांपल यू सेड दैट इंतहाई पढ़ा लिखा बहुत ही भाई ये आई फेल्ड माय ए लेवल्स भाई हाँ वैसे ये बात भी दैट काइंड ऑफ अ गाइ लेकिन वो तो ए लेवल था ना उसके बाद या ठीक है आई नो आई लाइक टू बी बट आई मीन और एक दफा नहीं तीन साल लगे आपको है ना मुझे हां तो मुझे ऐसा लगे टू डू माय ए लेवल्स बिकॉज़ मैंने हाथ तोड़ दिया था अपना हां फिर आप कर नहीं पाए थे फिर आप बाहर जाना चाह रहे थे या एंड दैट आई कुडंट डू तो मैं ए लेवल्स फेल हो चुका था बट आई इवेंचुअली ग्रेजुएट फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी फाइन फिर आई हैव डन सीरियस स्टफ एज़ वेल एंड आई लाइक टू डू इट बट मेनी पीपल डोंट रियलाइज दैट आई हैव अ वेरी शरारती नॉटी साइड टू मी दैट I have to have fun and I've embraced being completely Punjabi now. मुझे अब जाके ख्याल आता कि यार मैं तो बिल्कुल पंजाबी हूँ बिकॉज मैं दुबई से जब आया था कख नहीं पता था अब मैं कख कहता हूँ सो आई थिंक दैट यू नो एंड दैट्स हु आई एम इट्स लाइक द ओपन हार्टेड एंड हैव फन एंड नॉट टेक थिंग्स टू सीरियसली अनटिल थिंग्स गेट वेरी सीरियस माय वाइफ एंड आई हम लोग की बड़ी होती है कि नहीं ये कभी सीरियस ही नहीं लेता कुछ आई गिव यू एन एनेक्डोट फॉर एग्जाम्पल बेगम ने मेरी बिल्कुल सही कहा कि देखो रिलेशनशिप जो है ना दोस्ती का तो हमारा है विच इज़ डेंजरस बिकॉज मियाँ बीवी का रिश्ता होना चाहिए बिल्कुल सही आखिर में एक पॉइंट पे उसने कहा कि मैं किस तरह तुम्हें एक्सप्लेन करूँ आई गिविंग मी अ गुड स्पील एक लेक्चर दिया बैठे हम लोग कमरे में मैं चुप करके ताबेदार गुड हस्बैंड सुन रहा हूँ तो उन्होंने कहा तुम्हें मुझ पर रोब डालना चाहिए सम हाउ समथिंग जब मौका मिले सही मुनासिब हो रोब डालो मुझ पर ऑलराइट कुछ तो कहो आई वॉकड आउट went to the bathroom came back maine uske upar bathrobe dal diya so that's the kind of person I am okay how did she react I can just imagine her tha ki thank you ki aapke I don't know I just ran main to bhag raha hu so I just ran okay. but that's who I am lekin aap tv mein aaye kyun the because aap to theater lover hain theater acha chal raha mujhe adil hashmi ne harass kiya tha usne mujhe bully kiya tha usne mere usne kaha tha main tumhare and I'm quoting main tumhare ghar aake tumhare gaadi pe sheeshe todunga tumhare ghar pe ande marunga agar tumne 3x3 nahi kiya to so I was forced to do this okay but we must thank him now yeah that's true warna server nahi aate warna waji nahi aate that is right I agree with that and I remember him mujhe abhi tak yaad hai usne kaha tha dekho main aur very matter of factly baat karte hain deal he said ki dekho main theater karte bahut mazedar bahut khoobsurat hai and he's amazing oh yaar yaar but kitni audience ko tum touch kar loge tv lives on and that still stuck with me it's like yeah baat to usne sahi ki hai so he knew how to sell it बट रेटिंग में तो आपकी टीवी सबसे लास्ट में आता है ये तो आप सुतेलापन नहीं करते थे किसी ने एक शो में एहसन खान ने एक्चुअली शो में किसी ने क्यों बोलूं एहसन खान ने शो में उमेर से पूछा था चारों को रेट कीजिए तो उमेर ने टीवी को सबसे लास्ट में रेट किया था थोड़ा मैं भी ऑफेंड हो गई थी बींग अ टीवी लवर एंड ड्रामा लवर सो ये क्या बात है मतलब वही चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा कर रहे हैं
थोड़ा ये सुतेलापन नहीं है क्या, ये क्या खुला तजाद नहीं है, ये वाली बात है। ओके लेट्स जस्ट से कि आपकी चार औलाद है, उसमें आपने चौथा चूज़ किया। नहीं, ये सवाल आप जवाब आपने उधर भी दिया था, मुझे कोई और, एंड आई डू नॉट एग्री विद दिस जस्टिफिकेशन, क्योंकि चार औलाद है आपकी, आप कभी किसी को नहीं चूज करते, आप बोलेंगे नहीं भाई मुझे ये चारों पसंद है। हम कहेंगे ये, लेकिन असल में हमें पता होता है, नहीं सीरियसली वी नो। चलिए अभी आप बताएं आगे। वेल आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे यू राइट नाउ दैट यू सेड, मुझे ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है टू से दैट, बिकॉज मैं रास्ते में जब गाड़ी में आ रहा था, आई जस्ट क्रीम्ड ओवर एंड आई टोल्ड देम कि यू नो कि आई बिलीव इन द फैक्ट, जो बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ से रिस्क मिलता है वो इबादत का है, सो आई यू हैव टू रिगार्ड इट, सो दिस सीम्स डिसरिस्पेक्टफुल टू इट, यू राइट, बट नहीं नहीं मैं डिसरिस्पेक्टफुल की बात नहीं कर रहा, आई नो आई डिडंट मीन दैट, नो नो आई नो यू डोंट, बट आई सेइंग दिस माइट पास ऑफ एज डिसरिस्पेक्टफुल एंड आई हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, क्या करूँ, रिफ्लेक्शन वाला बंद हो, बट मुझे जो पसंद है ना असल में बाकी चीज़ों में वो है प्रोसेस। I'm a creature of process. तो मुझे वो script, वो किरदार, वो readings, वो exercises, वो मिलना, वो बातें करना, उसमें ढलना, वो जो process है ना वो बहुत पसंद है। वो यहाँ नहीं है आपको मिल रहा। इस current situation में TV में आमतौर पर बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पर PTV का ज़माना ले लें, अशफाक अहमद साहब खुद बैठे हुए cast और director के साथ readings करना। That is the process. That was TV. And लोग कहते हैं ना कि वो वाले खेल, वो इसीलिए था बिकॉज जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो डिलीवर हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज द बिजनेस प्लान इट डजंट वर्क दिस वे नाउ, सो इट्स मोर एक्सपीडिएंट। इसलिए फिर मुझे काशिफ निसा, फारूक रेन जैसे डायरेक्टर्स, यू बीन लकी, यू बीन वर्किंग, बिल्कुल एहतशाम एंड यू नो ऑल दीस पीपल, आई मीन सो मेनी नेम्स आई कांट इवन टेक, बट दे ऑल दीस पीपल, क्योंकि ये किसी ना किसी तरह प्रोसेस को घुसा देते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एंजॉय इट। इसलिए और अगर मेरा काम, इसलिए मैं कहता हूँ अगर मेरा काम अगर अच्छा लग रहा है लोगों को, इट्स बिकॉज दैट, इट्स नॉट मी। और जहाँ नहीं था प्रोसेस वो मेरे काम बहुत फजूल हुए। हमने तो अभी तक नहीं देखे रिसेंटली, सो आई डोंट नो। अच्छा ना देखे। पर मुझे बताएं, शुरू में बड़े पॉजिटिव कैरेक्टर्स आ रहे थे आपके जब आपने स्टार्ट किया करियर टीवी पे, राइट? फिर बीच में थोड़ा सा गैप भी आया, फिर आपने ये, फिर हमने एकदम वो एक नेगेटिव कैरेक्टर, लाइक पिछले 3 से 4 साल में मुझे लगता है कुर्बान और अंग्रेजा, फिर प्यार के साथ के, और अब चले दिल नौमी, तो हमें वी डोंट नो। तो एक लाइन से ना बीच में और भी बेदर्दी भी और ये कुछ आ रहे थे, तो क्या हुआ था? ये हुआ कि स्क्रिप्ट ही आपको ये ऑफर हो रही थी, इज दैट द रीज़न यू टुक, या इन कैरेक्टर्स में इतना मार्जिन था एक्टिंग का कि आपने पॉजिटिव को छोड़ के आपने चूज़ किया इनको लेना, हुआ क्या था उसमें? मल्टीपल थिंग्स फ्रेंकली, मेरे लिए हमेशा मेरे लिए हमेशा फोकस रहा है कि कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं, एंड आई डोंट मीन कि एक गुड हीरो या बैड विलन, कि किरदार कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, उसमें कोई शेड्स हैं, आई मीन कोई आर्ट निकलता है, ये चीज़ें मैं ढूंढ रहा ना, सो और दैट वुड बी माई, अभी भी दैट्स माई फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद फिर जो आ रही थी स्क्रिप्ट और कैरेक्टर्स वो आ ही रही थी, एंड आई थिंक मैनी दिस पीपल, जैसे आपने कहा पिया बेदर्दी फॉर एग्जाम्पल इज दी ओनली वन सोप आई हैव डन इन माई लाइफ, और वो बिकॉज काशिफ निसार ने कहा था अगैन, एंड आई न्यू कि ये, और उन्होंने कहा था जानी बहुत, वही जानी जानी बड़ा रूम है खेलने का, तो थिएट्रिकल है करो, एंड आई रियलाइज कि हम बहुत कर सकते हैं इसमें, फाइन। लाइक वाइज वो कुर्बान, फॉर प्यार के सदक़े, ये सब इसलिए था बिकॉज दे फेल्ट कि दिस पर्सन कैन परफॉर्म इट। तीसरा, आई रियलाइज एवरीवन वांट्स टू बी अ हीरो, एंड येन एंड यांग वाली बात है यार, यू विल नॉट नो ब्लैक इफ यू डोंट पुट व्हाइट नेक्स्ट टू इट, इट डजंट मेक सेंस, यू वोंट नो व्हाइट इफ यू पुट ब्लैक, सो समवन हैज टू मेक अ जस्टिफाइड कंट्रीब्यूशन। मेरे नज़दीक मेरी एक जिम्मेदारी ये भी थी कि बिलाल और अच्छा लगे, उसके लिए मुझे अपने आप का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो मेरा जबर जो है बिलाल के ऊपर वो इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे बिलाल से बहुत मोहब्बत है, उसको मारना मुझे पसंद आता है, लेकिन एक के बाद दो के बाद तीन एपिसोड, या एग्जैक्टली, तो लेकिन ये वजह थी क्योंकि यार वो किरदार हैज टू स्टैंड आउट मोर, सो यू कंट्रीब्यूट। फर्क सिर्फ ये है कि मुझे जो लगता है ना, आप पॉजिटिव कैरेक्टर जो होते हैं ना वो बहुत बोरिंग बनते हैं, वो लिखे भी नहीं अच्छे जाते, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव कैरेक्टर करना चाह रहे हैं। यस एब्सोल्युटली। अब मेरे लिए वो चैलेंज है, लोगों के लिए शायद होगा, आई डोंट नो, लोगों के ऊपर है कि हमने बहुत दफ़ा ये हीरो किया, अभी मैं विलन करना चाह रहा हूँ, विच इज़ ग्रेट। मेरे लिए ये है कि अब मेरे लिए है टू डू समथिंग पॉजिटिव अ कैरेक्टर। वाई? बिकॉज पॉजिटिव के अंदर ग्रेड लाना मेरे लिए बहुत बड़ा, लुक एट आवर सोसाइटी, हम लोग देवता और खुदा और पता नहीं मूर्तियाँ बनाते हैं अपने हीरोज़ के और फिर तोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि वो आइडियल हो, उसमें कोई गलती ना हो। हम सेलिब्रिटीज़,
कि ये तो इनमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। और अगर इतनी सी गलती निकले ना कि जी तेल निकाल के फिर रहे थे तो ऐसा गिराते हैं। सो आई वॉन्ट पीपल टू रियलाइज कि नो योर हीरोज आर ह्यूमंस, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी कोताहियाँ हैं जैसे आप और मेरे अंदर है, विद एज ह्यूमन एज पॉसिबल। मेरे लिए हीरोज वो हैं कि जो इन कोताहियों के बावजूद कोई कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो लेट्स ट्राई, लेट्स टेक दैट अप एज अ चैलेंज, यू नो, सो आई वांट टू डू दैट। चलिए अब हमने बड़ी सीरियस बातें कर ली, अब हल्की फुल्की बातें करते हैं, है ना, प्लीज, काफी काफी हो गया। चलिए आई एम गोना शो यू रीड सम लाइंस, ओके, ठीक है। आपने गेस करना है कि ये जो आपके साथी एक्टर्स हैं किसने ये बोला होगा अपने इंस्टाग्राम पे। अच्छा, मैं यू कर सकता हूँ साथ, जो करना चाहे नहीं, जो करना चाहे नहीं, मेरा मतलब है कि बिल्कुल कर सकते हैं आप। पहला ये लाइन है किसी ने आपके जो जिनके साथ आपने काम किया हुआ है, हार्ट टेल्स यू द बेस्ट ड्रीम्स टू फॉलो, किसने कहा हो सकता है, इनसाइटफुल है कोई? मैं आपको ऑप्शन दूँ या आप खुद ही गेस करेंगे? मैं जब ट्रिक होगा तो मेरा लास्ट ऑप्शन। इन्होंने एक और पे भी बोला हुआ है, अच्छा, ना इसमें चाय थी और ना मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही या पढ़ रहा था, इन्होंने ये दो। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कौन है ये? अभी तो मुझे ताजा याद आ रहा है, यासरा स्क्रिप्ट नहीं, हां मैंने इसीलिए पुराने उठाए, नहीं यासरा नहीं, इट्स नॉट यासरा, नहीं है। But पहले वाला अगर हम बोलें, heart tells you the best dreams to follow. This is very interesting. Okay, so it could be Atika Odo, Yumna और Ikra. तीनों में से कौन हो सकती हैं? भाई मैंने आसान कर दिया, मुझे बंदा भी बोलना चाहिए था। Yumna और Yumna. Why? I have a feeling it would be Yumna. जो इस तरह की बात शुरू करेगी. Could be Atika. It's between Atika and Yumna for me, but I'm going for Yumna. किसने कहा हो सकता है? I don't look back unless there's a good view. इतनी फिलोसॉफिकल बात कौन कर सकती है? नहीं, या तो ये फिलोसॉफिकल है या ये ठरक है, ये दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। कम टू थिंक ऑफ इट, यस, ये एंगल मैंने नहीं सोचा था। थिंक अबाउट इट, सोचिए कौन हो सकता है। आपने कह दिया कौन हो सकती है, हो सकता है, भी हो सकता है। टू लेट राबिया, टू लेट, शर्लॉक हैज कॉट ऑन टू यू। हां सीरियसली, who could it be? I don't look back unless the I don't look back unless the view is very good. No, I need hints. Okay, let me think about the hints. These are very tough. Let me just think of the names. Maybe the options. क्योंकि अब ठरक वाले भी हिंट्स डालने पड़ेंगे. नहीं. So Numanijaz, Sajal or Kubra. I don't look back unless. Unless there is a good view. Kubra. Sajal. Oh, was it? Yes. 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 Okay. Yes. But by the way, that statement stands true for Numanijaz also. He does not look back unless there's a good view. Good view. I will not say anything of that. Okay. अच्छा अब ये है, कुछ तो हंसी को दे जगह बेवजह, कुछ तो हंसी को दे जगह बेवजह, किसने कहा हो सकता है? Wow. सोचें। कुछ तो हंसी को दे जगह बेवजह। यार ये मेरे इतने फिलोसॉफिकल दोस्त हैं आपके, यू राइट, फिर वो परसेप्शन सही है बिल्कुल। इतनी गहरी बातें, ये तो समुद्र के अंदर डूबने वाली बातें। हिना ख्वाजा बयात तो नहीं है? नहीं, कौन है? सो बिलाल, आहद या वहाज में से किसने कहा होगा ये? बिलाल, आहद या वहाज? बिलाल। Yes. बिलाल। कि what makes you think? ये भी तुक्का था आपका? नहीं, ये फ्रैंक टस बिलाल के साथ हो सकती है, लेकिन मैं बड़ा बिलाल में बड़ा इंप्रेस हूँ, बहुत इंप्रेस हूँ। अच्छा, लास्ट। हमारा डिस्कोर्स यानी कि इंटेलेक्चुअल भी है। What was that again? Yeah, sometimes small people cast big shadows. This is something that I have said to Ikra or Sajal? Ikra? No? This is Umair Rana, जो उन्होंने शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे after their after his interview with Fuchsia magazine during प्यार के सदके।
Oh my God. जिसे आपने लिखा हुआ है कि what was that again? Yeah. Sometimes small people cast big shadows. Yeah, Game of Thrones. And a nice chat with Farah Haq at Pusha Magazine and shared some BTS and some da da da. Yeah. I was quoting Game of Thrones. I remember now. Yes. Yeah, that's true. अच्छा अब मैं आपके साथ थोड़ा सा कर रही हूँ this or that. Okay. अगर आपको ऑप्शन हो प्रोफेसर फॉर मनी हाइस्ट ओके यू हैव सीन इट राइट मेनी पीपल हैव सेड दैट आई दे रिमाइंड मी और आई रिमाइंड ऑफ हिम सो या और जॉय इन फ्रेंड्स व्हिच वन वुड यू चूज एंड क्यों ओह मजा आया ना दिस और दैट आई वुड डू जॉय विद फ्रेंड्स रियली व्हाई आई वाज आई थॉट सो ही वुड डू दैट आई वुड डू जॉय विद फ्रेंड्स दैट वुड बी मोर चैलेंजिंग आई वांट टू डू दैट कॉमेडी I am that comedy. I want to do that comedy, and he did an amazing job. Yeah. At LeBlanc, Rata Vai Vaise Bhi. Yeah. But and so many people have. I know people would want me to do Professor. Professor. Because बहुत सारे लोगों ने इसको साथ रिलेट भी किया. Okay. पर आपको मैं जोई करके दिखाऊंगा. एक इवेंट पे आपने जाना है. आप ओपनिंग कर रहे हैं उसकी और आपको कुछ किसी का कोट कुछ बोलना है या शाह बोलें. Who would you quote? Shakespeare or Rumi? हाय यार ये ज्यादती है यार. ओह ये बहुत बड़ी ज्यादती है आई कांट बी मॉर्फ नहीं कर सकते हम कैसे मॉर्फ ओह दैट्स दैट वुड बी इंटरेस्टिंग आई वुड यू नो व्हाट आई वुड डू दैट नहीं बट मैं आसानी कर रही आपको चूज करना पड़ेगा खुदाया अब मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लैंड और टर्की के दरमियान कौन सा मुल्क बनता है गोइथे कर लेते हैं आजकल तो टर्की चल रहा है वैसे टॉप पे वाकई दैट्स ट्रू आई थिंक करंटली आई वुड लाइक टू कोट रूमी गब्बर फ्रॉम शोले या राहुल फ्रॉम डर किरण कौन सा चूज करेंगे आप एंड आई वुड गेट टू रीडू इट सोचिए ओरिजिनल मूवी ही बन रही है या गब्बर 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 आई मीन एज मच एज आई लव द चार्म ऑफ शाहरुख खान या बट नो इट डजंट वर्क फॉर मी प्यार के सदके की कास्ट फ्लाइट पे जा रही थी एयरपोर्ट पे और उन्होंने अपना प्लेन मिस कर दिया दे आर एट The airport. अब मैं आपको options दे रही हूँ इनमें से कौन क्या कर रहा होगा okay. कौन सबसे पहले ड्यूटी फ्री शॉप पे भागेगा okay. कौन स्टारबक्स पे जाके चार घंटा चल करेगा स्ट्रेट okay. कौन कंप्लेन करेगा नॉन स्टॉप अबाउट अनहाइजीनिक बाथरूम्स कौन करेगा कौन जाएगा एक कॉर्नर ढूंढेगा जाके सो जाएगा okay. And कौन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कॉन्स्टेंटली फोन पे लगा होगा और किसकी बैटरी फोन की सबसे पहले खत्म हो जाएगी और वो वाईफाई भी ढूंढ रहा होगा ओके ठीक है तो यू विल हैव टू रिमाइंड मी द थिंग्स मैं जो जो याद है उनको बोल दे फॉरेन आ रहे हैं मैं फॉरेन बोल बिलाल सो जाएगा ओ ओके पोस्टली ओके बिलाल सो जाएगा अतीका कुड बी कंप्लेनिंग अबाउट हाइजीन ओके राइट ड्यूटी फ्री यमुना प्रॉब्ली वुड गो टू ड्यूटी ओके राइट ओके फिर हो गया बैटरी और वाईफाई और दूसरा कौन सा रह गया था स्टारबक्स पे कौन जाएगा आई विल प्रॉब्ली बी एट द स्टारबक्स यू विल बी एट द आई विल प्रॉब्ली बी एट स्टारबक्स फोन ऑन द फोन फैमिली और फ्रेंड्स से फोन पे कौन लगा होगा फोन फैमिली फ्रेंड और कौन सराहा आई थिंक शी माइट बी ऑन दैट एंड देन किसकी बैटरी सबसे पहले फोन की खत्म होगी फारूक भाई ओके फारूक साहब की फॉरन अच्छा इस्तेमाल नहीं भी करेंगे फोन डेड होगा वो अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो यूट्यूब पे पुराने पुराने गाने और सुन रहे होंगे एंड देन द फोन डाइज ओके अगर आप लूडो की गेम खेल रहे हैं ओके ठीक है पहले तो टीम बनाएं आपके पास टीम के ऑप्शंस हैं बिलाल सज्जल इकरा यमुना यासरा अतीका उफ एंड नुमान एजाज ओए होए होए कौन क्या टीम चार बनाएंगे आई हैव गिवन यू 8 पीपल वन देयर लॉट्स ऑफ पीपल 4 5 6 7 8 और आप हो गए हैं हां ठीक है तो मैं या आप खुद निकल जाएं और आठवां हम किसको डालें वी हैव बिलाल वी हैव सजल या विक्रा यमुना यासरा अतीका ओडो एंड नुमान जाज वी नीड वन मोर पर्सन लेट्स हैव काशिफ निसार लेट्स हैव काशिफ निसार या सो वी हैव 8 पीपल मेक 4 टीम्स और काशिफ एंड नुमानजस ठीक है क्योंकि ये तो आप बड़ी स्ट्रांग टीम नहीं बना रहे नहीं इतनी लड़ाई होनी है आपस में इतनी लड़ाई होनी है तो मजा दूसरों से नहीं लड़ेंगे वो आपस में लड़ेंगे आपस में लड़े होंगे सो दैट्स द एंटरटेनमेंट देयर ठीक है राइट अदरवाइज आई पुट हिम विद अतीका एंड देयर वुड बी अ फैंटास्टिक काशिफ टीम काशिफ साहब एंड अतीका नो नो नुमानजस अच्छा ओके बट नहीं आई वुड रादर पेयर दीस अप मजा आएगा दिस द एंटरटेनमेंट एज़ वेल बाकी कर रहे हैं और फिर हमारे पास कौन रखे सज्जल इकरा यमुना अतीका एंड यासरा ओके आई वुड से लेट्स पुट यमुना बड़ी कंपेरेटिव हो सकती है यमुना एंड सज्जल ठीक है
राइट बहुत अनबैलेंस टीम बना रहा हूँ लेकिन ये बहुत ये मुझे तो लगता है दोनों बहुत कोऑर्डिनेट करेंगे फोकस्ड करेंगे एंड दे विल रियली लाइक वहां ही यहां होगा लेकिन गेम पे गेम यू नो इट्स नॉट अतिका इज माशाल्लाह वेरी कंपेटिटिव एज वेल सो आईड पुट अतिका विद आईड पुट हर विद यासरा All right. I want to see how that would work. That'd be pretty. So that leaves us with Ikra and Bilal. Ikra and Bilal. Yes. Being that 14. अच्छा अब इन चारों टीम्स में से सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव कौन होगा? और कौन सिर्फ खाने के होगा कि इस वक्त हम क्या ऑर्डर करें जबकि बाकी खेल रहे हैं? और कौन चीटिंग सबसे ज़्यादा करेगी टीम? तीन सिचुएशन. सज्जल और युमना जो है ना कंपेटिटिव. अच्छा गुनगुनाते भी हैं आप गाते भी हैं और शौक भी है आपको yes, मैं अब अगर आपको बोलूं जब पहली बार किसी से इश्क हुआ होगा तो उमेर राना ने क्या गाना गाया होगा I don't know क्या गाया होगा मुझे मुझे इश्क हुआ था when I was oh god class 3 मेरी जान होते हैं तो हों फासले दरमियां हाँ हाँ अपने आगाज से आज तक जिंदगी तेरी ही सोच में गुम रही फिर भी जाने मुझे क्यों ये एहसास है जैसे चाहत मेरी कम रही हो तेरे लिए है मेरा बिल मेरी जान यू सिंग सो वेल दिस इज हॉरिबल दिस इज हॉरिबल आई एम सिंगिंग आफ्टर 8 मंथ्स 8 महीने में कुछ नहीं गया मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के थैंक यू चलिए नेक्स्ट स्टेप जब हुआ हार्ट ब्रेक हां तो दुख में कौन सा गाना गाया होगा यार उसमें तो मेरा एक हमेशा वो एक क्लासिक निकलता है हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए इट्स एन ओल्ड क्लासिक आई लव इट आई थिंक जस्ट आई एंड अप हमिंग इट बिकॉज शुरू ही हम से होता है चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए सागर में जिंदगी को तारे चले गए हम ऐसे ही बहुत कुछ वाओ आई एम लव दैट आई मीन मुझे समझ नहीं मैं क्या बोलूं दैट वाज रियली गुड थैंक यू एंड यू नो आई वाज थिंकिंग क्योंकि अब इतने वो म्यूजिकल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ना अरे भाई लोगों आप लोगों ने इनको नहीं डिस्कवर किया मुझे कमीशन दे दीजिएगा जब नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट ऑफर आए नो सीरियसली बिकॉज़ हम इतने लोगों को देख रहे हैं इफ आई गेट एन ऑफर आई विल बी टैगिंग यू टू इट मेरी वजह से टैगिंग कंपनी मैंने टैग नहीं बोला था मैंने कमीशन मांगा है अच्छा हां इफ दे पे मी आई विल कमीशन बिकॉज़ इतने अभी एक्टर्स हमने देखे ना जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे कि गा रहे हैं
And I'm and really thinking you would make a really great choice for one of those songs. But meri jaan jaati hai isse. I'll be honest because mujhe ye ek aisi kala hai ye which I put on pedestals. Inshallah, fingers crossed. कब से हम वेट कर रहे हैं ना? I know, that's true. That's true. But I hope it happens soon rather than late now. Yeah. And I'm वो इसलिए क्योंकि I'm anxious के लोग देखें. बिल्कुल. जिनको देखना चाहिए वो देखें. So is it an art film क्या है? थोड़ी सी confusion clear करेंगे कि what किस जगह पे आप डालेंगे? क्या करेंगे? Is it? It's going to strike conversations या ये एक art movie है या एक हमें entertainment provide करेगी? क्या करेगी कमली? Because मुझे कमली से बहुत you're right. I understand what you're saying. It's very mysterious. मेरे लिए भी आसान है to be honest. I can't say. I can say मैं eliminate कर सकता हूँ. ये आपको आवामी commercial उस तरह की नहीं होगी. नहीं होगी. It's not नाच गाना मजा you know that kind. लेकिन you've got great performances, great story, of course, yeah. great emotions, stirring. And you got people like, I mean, I'll start with Sabah Qamar on it, you know. So, I mean, that should say enough for you to ke aam log aaye aur log dekhein and attract ho. Lekin punch karega. Punch karega. You know, definitely. It'll hit you. What made you say yes to it? Aapne script padha tha ya bas Sarmat ko zara Sabah Qamar? Dekhiye, sabse pehle to Sarmat ko maine kaha tha ki yaar koi bhi tum next project karoge na and you want anyone to hold the light. Pata nahi shaadi ki video pe ab wo yaar utar khecho wo light leke aao, I'll do that. Because मैं again I wanted to be part of a project and I meant it. तो सरमद thought कि ये character शायद मैं कर सकता हूँ. So he sent me a script. I loved the script and the team. That's my second question usually. सरमद के अलावा and then you got I mean Nimra Bucha. Yeah. Okay. And I just worked with Henchurails. Yes. But then you got Nimra Bucha. You got Sania Saeed. Right. You got Sabah Qamar. Yeah. Right. फिर आपको और भी मिल रहे हैं आपको यू हैव गॉट सो मेनी एंड अ प्लेथोरा ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस यू आर येट टू बी सीन एंड डिस्कवर्ड आल्सो वो भी आपको मिलेंगे व्हिच वी नो हम जानते हैं एंड अ ब्रिलियंट एंड इट वाज ऑल फीमेल सेंट्रिक मैंने कहा जबरदस्त तो यानी कि मर्द का कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा स्पेशल होना चाहिए कि स्पेशल से मुराद ये है कि हाउ डज ही फैसिलिटेट इन द स्टोरी एंड ही डिड इट और बहुत मजा आया एंड आई विल गो ऑन रिकॉर्ड टू से कि I have newfound respect for Sabah Qamar's work. Okay. And I told Sabah, I said, "Yar, jo tumne kar diya na, I don't think anyone else could have." So, आप उनके opposite कर रहे हैं? थोड़ा हम कुछ बता सकते हैं? अभी कुछ reveal नहीं कर सकते? I can say this much के मैं मेरा काम ज़्यादातर जो है वो निम्रा और सबा के साथ. सबा के साथ. So ज़्यादातर इन दोनों के साथ. Okay. कब हम expect कर रहे हैं कि ये होगी? I idea है आपको? Don't. No. Edit वगैरह सब हो गया है? Yeah. एडिट हो गया आई थिंक आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द साउंड एंड लिटरली वी वेटिंग फॉर द साउंड गाने हुए हैं एंड द एडिट हो गया है मोर लेस फाइनल टचेस हैं नथिंग एल्स इट्स मोर लेस रेडी टू गो तो रफ कट एक दो लोगों ने देख लिया मैंने नहीं देखा आई चूज नॉट टू ऑल्सो तो आई वुड आई एम वेरी क्यूरियस बट आई रादर बी सरप्राइज्ड लाइक फ्रेश जब लोग देखें मैं भी उनके साथ देखूँ Okay. And see how it goes. So I you like feel कि ये conversation start करेगी, फिर हमारी एक debates चलेंगी या ये उस तरह की movie नहीं होगी? देखें अभी तो आप चीची यूं करेंगे तो debate शुरू हो जाती है, तो ये तो फिर सरमत खुसर्ट किया था वो तो ठीक ठाक debate थी, right? How was the lashback? Oh, brilliant! Lashback guy मैंने. I know, yeah, brilliant. Of course, it was going to happen. You knew it. आप लोगों को पता था जब आप लोग shoot भी कर रहे थे. I mean, जब आप कर रहे हैं, you have an idea होगा. My personal perception था क्योंकि ये एक platform के लिए है, तो obviously broadcast का audience नहीं है, तो उनको cater ही नहीं करना चाहिए और नहीं कर रहे. लेकिन कहीं ना कहीं से तो जो घुसने वाले होते घुसते. Fine, and I think the team was ready for that. Okay. और बड़ी आई थिंक बड़े अदब से उन्होंने उसको एड्रेस किया आई रिस्पेक्ट दैट सो आई थिंक दे वर वेरी डिसेंट अबाउट इट ये मुझे पसंद आया और कॉन्वर्सेशन हुई ना बहुत कॉन्वर्सेशन मिसाल के तौर पे हम लोगों के दोस्तों के ग्रुप्स हैं आई मीन कपल्स एंड व्हाट नॉट वेरियस काइंड जो हम लोग इनलाइटन कॉन्वर्सेशन से मुराद के सेल्फ प्रोवोकिंग एंड थॉट एंड इन्वॉल्वमेंट की हम बातें करते हैं तीन चार ग्रुप्स हो गए जिन्होंने कहे चुड़ैल्स लाइक उन्होंने शुरू कर दिया लाइक दैट्स गुड इट्स जस्ट कॉन्वर्सेशन और फिर नॉट जस्ट हियर एवरीवेयर
इंडिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मुझे लोगों ने कहा है, कनाडा में, आई मीन एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, सो दैट्स गुड, कन्वर्सेशन तो करो ना यार, बात तो करो. लास्ट हमारा एक होता है, सबको हम बोलते हैं, कैन यू स्पेल फ्यूशिया फॉर अस? ऑफ कोर्स आई कैन स्पेल फ्यूशिया. डू दिस पर ने अब तक किया हुआ है पहले? नहीं, वी हैव नॉट. आई कैन स्पेल फ्यूशिया फॉर यू, एफ यू एस सी एच आई ए. नो I am. Damn, see, ek, so I will help you. If you see H, tak theek hai. If you see H, or IAB, say it. Of course, missing the S, of course. If you see H, S-I-A. Aapne dekh liya wahan se kahin? Nahi, actually no, but I know this because meri beti, aafia, was six now, it's one of her favorite colors. Wo keh rahi hoti hai, baba, that's not pink, that's fuchsia. Yeah, thank you, aafia. Well done, well done. Appreciate you saying that, you know. But then I work for a company, phir main jab uska naam likhta hu, maine kaha, I dare you to pronounce it right. Yeah. Right? Okay, I'm going to dare you to pronounce it right. Maine to aisa kuch nahi bola. Come on, I mean, come on. That's it. Right? But have fun with it. Okay. Please, let me just have fun. Okay, the company spelling is, right? S-C-H, right? S-C-H-U-I. T-E-M-A. S-C-H-U-I-T-E-M-A. Shwitma. Squitma. Squitma, shwitma. Bless you. The consultancy company I work with, South African, and like a name, which is not Dutch, it's Skatema. Skatema. I know. I don't blame anyone for it. Yeah, that is. देखो ये फिरंगी हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं यार? Seriously. But we're using it. You're using Fushi. I'm using Skatema. Yeah. ये तो मैंने कभी Skatema तो कभी नहीं सोचा. कभी सोचा नहीं. Yeah. But we do that. But thank you so much. Just imagine Ma on skates. Yeah, seriously. That would be interesting. अच्छा idea. Wearing Fushi. Not bad. ये हमने next movie का पूरा concept दे दिया है, जो भी सुन रहे हैं, please do it and don't forget to get Umair on board on this. Thank you so much, Umair, for your time. I think we had a lovely conversation. बड़ा मज़ा आया, थोड़ी हल्की पुल्की serious और दिलाउमी तो नहीं के बारे में बड़ी मज़े की बातें हैं आपने बताई. So we wish you all the best for your future projects. Thank you. Thank you very much. It was very nice being here. बहुत मज़ा आया. Thank you, Rabia. Thank you and the entire team. God bless you guys.